नाउ लेट्स कम टू द एक्सेरेशन एक्सीटर आपने गाड़ियों में एक्सेलेटर देखा होगा एक्सेलेटर कब करते हैं इफ द कार इज स्टेशनरी एंड यू वॉन्ट टू मूव इट यू प्रेस द एक्लेटर इफ यू वॉन्ट टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ द कार यू प्रेस द एक्सिलेटर तो जो एक्सीटर है ये एक्सीन वर्ड से ही निकला है और एक्सीन क्या होता है डिफाइन नहीं करते इट इज चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम सो इन द फॉर्मूला फॉर्मेट अगर हम लिखें तो एक्सिलेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलॉसिटी डिवाइडेड बाई टाइम और इसको अगर आप सिंबल में लिखें तो एक्सेलरेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से ये जो ये चीज है इट इज नोन एज डेल्टा और ये रिप्रेजेंट करती है चेंज को जब भी आपने चेंज को मेंशन करना हो इन सिंबॉलिक फॉर्म तो हम ये डेल्टा का यूज करते हैं तो डेल्टा वी मींस चेंज इन टी इज द टाइम देन चेंज इन वेलोसिटी मींस फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी याद रखें इन फिजिक्स व्हेन एवर वी हैव टू फाइंड द चेंज वी ऑलवेज सब्ट्रैक्ट इनिशियल फ्रॉम फाइनल फाइनल माइनस इनिशियल हम करते हैं इनिशियल माइनस फाइनल नहीं करते हैं. तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम फाइनल वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करेंगे वी से और इनिशियल वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट कर देंगे इट इज फाइनल वेलॉसिटी और यू है हमारे पास इनिशियल वेलॉसिटी सो ए इज इक्वल टू वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टी दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट इसके क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं तो आपको इसकी प्रैक्टिस अच्छी खासी होनी चाहिए नाउ वट आर द यूनिट फॉर एक्सेलेशन अगेन वो विल सी फ्रॉम द फॉर्मूला ए इज इक्वल टू चेंज इन वालासिटी डिवाइडेड बाई टाइम तो वालासिटी के यूनिट क्या होते हैं मीटर्स पर सेकेंड टाइम के होते हैं सेकेंड तो इसको अगर आप फर्दर थोड़ा सा सॉल्व कर लें तो मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर या सेकेंड डिनोमिनेटर में जा कर मल्टीप्लाई होकर स्क्वेयर बन जाएगा तो आपके जो यूनिट्स बनेंगे दैट विल भी मीटर्स पर सेकेंड स्क्वेयर एंड देन स्केलर और वेक्टर हमने डिसाइड करना है अगेन हम फार्मूले में जाएंगे राइट हैंड साइड पे हमें वेलोसिटी नजर आ रही है विच इज अ वेक्टर क्वांटिटी और टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी सो बिकॉज राइट हैंड साइड पे एक वेक्टर क्वांटिटी है दैट इज वाई लेफ्ट हैंड साइड पे जो एक्सीन है इट इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी सो एक्सेलेन इज अ वेक्टर क्वांटिटी

इसकी स्पीड चेंज हो जाती है डायरेक्शन सेम रह रही है लेकिन स्पीड चेंज हो जाती है फाइव मीटर्स पर सेकेंड से टेन मीटर्स पर सेकेंड में चली गई तो इसकी वेलोसिटी भी चेंज हो गई सेकेंड सिनेरियो क्या होता है कि स्पीड तो वही रहती है फाइव मीटर्स पर सेकेंड ही रहती है बट इट्स डायरेक्शन चेंजेस पहले ईस्ट में थी अब इसकी डायरेक्शन हो गई नॉर्थ में तो इसकी वेलासिटी चेंज हो गई और थर्ड सिनेरियो क्या हो सकता है कि स्पीड भी चेंज हो जाए और डायरेक्शन भी चेंज हो जाए बोथ चेंज हो जाए तो उस केस के अंदर भी आपकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी एंड ऑल दीज सिचुएशन आर सिचुएशन ऑफ एक्सिलेशन इन तीनों सिचुएशन में जो आपकी कार है इट इज एक्सीटिंग ओके नाउ नेक्स्ट वन इज और रिटार्डेशन अब ये एक क्वेश्चन है जो कि आपके लिए है वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी चेंजिंग फ्रॉम टेन मीटर्स पर सेकेंड टू ट्वेंटी मीटर्स पर सेकेंड इन फाइव सेकेंड फाइंड द यू हैव टू सॉल्व अ क्वेश्चन अ न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपने फॉर्मूले से स्टार्ट करना है और उसके अंदर फिर रेलिवेंट वैल्यूज पुट करके आपने आंसर निकालना है तो इट इज टू मीटर पर सेकेंड स्कोर अच्छा जी नाउ हियर इज अनदर क्वेश्चन फॉर यू अब इसका आंसर जरा निकाल इट्स आंसर इज माइनस टू मीटर पर सेकंड स्क्वेर अब अगेन यहां पे माइनस साइन क्यों आ रहा है बिकॉज एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी अच्छा अब यहां से इन दोनों एग्जांपल से हम एक कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं दैट

नेगेटिव और जो नेगेटिव एक्सेलेशन है उसका दूसरा नाम है डिसलेशन और रिटार्डेशन भी कहते हैं अब ये एक चीज मैं बताने ही लगा था अब ये क्वेश्चन आया कि अगर हम रिटार्डेशन और डिसलरेशन कहेंगे तो यस yes, ये जो वर्ड है डिसलेन और रिटार्डेशन इट मीन्स नेगेटिव एक्सेलरेशन तो अगर आपको क्वेश्चन में कहता है कि फाइंड द डिसलेशन इस क्वेश्चन के अंदर अगर आपको कह दे यहां पे एक्सीलरेशन की जगह वो कह दे फाइंड द डीसेलेशन तो आप फॉर्मूला तो एक्सेलरेशन वाला ही पुट करेंगे A v U T, उसमें वैल्यूज आप पुट करेंगे आपके पास आंसर आएगा माइनस टू मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेकिन जब आप फाइनल आंसर में डिसलेन लिखेंगे तो डिसलेरेशन इट्स मीन नेगेटिव एक्सेलरेशन तो यहां पर आप नेगेटिव का साइन नहीं लगाएंगे इट विल बी टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यस सलमान इफ आपका डिसलेन पूछा होगा तो आंसर विल बी पॉजिटिव और अगर एक्सेलरेशन पूछा होगा देन इट विल बी नेगेटिव लेकिन फार्मूले के अंदर आपने फार्मूला एक्सीलरेशन का ही होता है फार्मूला डिसलेन का नहीं होता तो उसके अंदर आपने इवन इफ यू आर गिवन वैल्यू ऑफ फॉर एग्जांपल इन अ क्वेश्चन आपको डिसलेशन की वैल्यू दे दी जाती है और वो पॉजिटिव ही दी होगी लेकिन जब आपने उसको फार्मूले में पुट करना है तो आपने उसको नेगेटिव करके पुट करना अच्छा जी अभी एक्सेलरेशन और डिसलेशन जो हमने स्टडी किया है इसका थोड़ा सा कंपैरिजन है एक्सेलरेशन

टाइम जीरोलेशन का कंपेरिजन हो रहा है तो यहां पर एक्सेलरेशन डीन पॉजिटिव एक्सीन ओके सो यस्टरडे वी आर स्टडिंग डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट स्पीडी एंड एक्सिलरेशन so here is a question related to the acceleration so a car is moving with a deceleration of 10 meter per second square is brought to rest in 5 seconds calculate initial velocity of the car so we have the formula a is equal to v minus u divided by time

And where is the final velocity? There is no data of final velocity, but here it is written. It is brought to rest. Brought to rest means its velocity will become zero. So mm here -hmm. we value put value zero. So minus ten is equal to minus u divided by five. So minus will be cancelled with this minus, and u will be equal to fifty meters per second. ये जो तो ये फार्मूला है इसके क्वेश्चंस आपको काफी ज्यादा आते हैं पेपर में एक आधा क्वेश्चन आ जाता है और आई हैव चोजन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन बिकॉज ऑफ डी सेन्स नेगेटिव एक्सेलेन सो वेन एवर यू हैव टू पुट द वैल्यू इन द ऑफ यू विल राइट नेगेटिव विद इट अगर आप पॉजिटिव लिखेंगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा ओके okay जी नाउ लेट्स टॉक अबाउट यूनिफॉर्म एक्सिलेशन वी डिस्कस यूनिफॉर्म स्पीड एंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी अर्लियर नाउ यूनिफॉर्म एक्सिलेशन यूनिफॉर्म एक्सिलेशन मींस एक्सिलेशन दैट डजेंट चेंज अब एक्सिलेशन का फॉर्मूला हमने क्या देखा ए इज इक्वल टू वी माइनस चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम अब अगर इसका जो टाइम है नीचे डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर वाला टाइम सेम हो और ऊपर चेंज इन वेलोसिटी भी सेम हो जाए तो आपके पास एक्सीलरेशन की वैल्यू आएगी दैट विल रिमेन द सेम सो दैट इज वी डिफाइन यूनिफॉर्म एक्सिलेशन एज वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम देन द हैव यूनिफॉर्म एक्सीन वेलोसिटी चेंज होगी बाय इक्वल अमाउंट्स लेट्स सी सम समल्स सो यूनिफॉर्म एक्सिलेशन ये वही वाली आ गई ओके okay जी सो दिस इज अ कार एट जीरो मीटर पर सेकेंड ये नीचे आपके पास टाइम आ रहा है जीरो मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी चेंज हुई इंक्रीज हो गई ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड एंड आफ्टर वन सेकेंड इट बिकेम ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड देन अगेन इंक्रीज हुआ 20 मीटर पर सेकेंड का और वेलोसिटी हो गई 40 मीटर पर सेकेंड देन अगेन 20 मीटर पर सेकेंड का इंक्रीज हुआ वेलोसिटी हो गई 60 मीटर्स पर सेकेंड अब आप देखें कि इंटरवल्स ऑफ टाइम यहां पे वन वन सेकेंड ही हैं और जो इंक्रीज है दैट इज आल्सो सेम चेंज इन वेलोसिटी इज सेम 20 मीटर्स पर सेकेंड सो इट मींस दैट दिस कार इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन Similarly, if uh, a car is already moving with 60 meters per second and uh, then its velocity decreases by 20 meters per second, it will become 40 meters per second. uske baad further decrease ho जाए 20 meters per second ka then it will become 20 meters per second और फरदर डिक्रीज के बाद zero meters per second. यहाँ पे भी अगर आप देखें तो इक्वल टाइम है का टाइम इंटरवल है और जो डिक्रीज हो रही है सेम मीटर्स पर की इक्वल इंटरवल ऑफ़ टाइम में स्पीड और वेलोसिटी चेंज हो रही है सो दैट्स मीन दैट दिस कार इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन और एज इट्स वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग वी कैन आल्सो से दैट इट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म डिसलेन

बट द चेंज इन स्पीड इज नॉट सेम इधर थर्टी आ गई इधर ट्वेंटी आ गई इधर टेन आ गई इनमें से कोई एक वैल्यू भी अगर डिफरेंट होती तो हमने कहना था नॉन यूनिफॉर्म फिर अगेन अब ये एक यूनिफॉर्म डिसेलेशन की एग्जाम्पल सिक्सटी से फोर्टी हुई फिर फोर्टी के बाद टेन के डिफरेंस से थर्टी हो गई तो अब यहाँ पे ये डिफरेंस इक्वल नहीं आ रहा इट मीन देशन इज नॉन यूनिफॉर्म okay now this is a question for you it is a past paper question of october november 2018 so what will be the answer you just have to, to tell which body has an acceleration that is not constant constant acceleration and uniform acceleration are same thing i am waiting for your answer in the chat वन uh, का आपने आंसर नहीं देना आपने आंसर देना है ए बी सी और डी यहां पे जो स्पीड्स आ रही हैं वो वर्टिकली आ रही हैं टाइम इस वर्टिकल टेबल में बना हुआ ओके आई गॉट वन आंसर एस डी अनदर वन बी जी बाकी लोग क्या कह रहे हैं बी ओके बी ओके बी अच्छा जी अब यहां पे पहली बात उसने पूछा क्या विच बॉडी हैज एन एक्सीन दैट इज स्टेंट नॉट कॉन्स्टेंट उसने कॉन्स्टेंट का नहीं पूछा नॉट कॉन्स्टेंट का पूछा है तो लेट स्टार्ट विद ऑप्शन ऑफ डी डी से देखते हैं अच्छा यहाँ पे टाइम इंटरवल आप देखें तो इक्वल टाइम इंटरवल ही है इधर भी वन सेकेंड का है इधर भी वन का इधर भी वन सेकेंड का इंटरवल ही है टाइम इंटरवल्स सेम और ये सेम ही होते हैं आपको ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं मिला जिसमें टाइम इंटरवल डिफरेंट हो

पे इंक्रीज हो रही है थ्री इधर भी इंक्रीज हो रही है थ्री और इधर भी इंक्रीज हो रही है थ्री तो इट इज आल्सो कांस्टेंट बी के अंदर देखें विच इज वेरी कॉमन तो आपका आंसर ऑलमोस्ट ने ही बी दिया है इधर भी टू का इंक्रीमेंट है इधर भी टू का इंक्रीमेंट है इधर भी टू का इंक्रीमेंट है इट मीनस के ये भी एक्सीलरेशन जो है इट इज कॉन्स्टेंट अब ए के ऊपर देखें इधर इंटरवल का है वन का फिर इंटरवल है टू का और फिर इंटरवल आ रहा है थ्री का तो दिस इज नॉट द सेम चेंज इन स्पीड इज नॉट सेम इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम सो स्पीड ऑफ ए इज इंक्रीजिंग बट इट इज नॉट इंक्रीजिंग एट द इक्वल रेट मींस इट हैज नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन इस एक्सीलरेशन इज नॉट कॉन्स्टेंट आई होप इट इज क्लियर If you still have any question, please do ask.